उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मदरसों के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। यूपी सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब मदरसों में भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी व मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी यूपी बोर्ड के साथ आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मदरसा स्कूलों में भारत स्काउट गाइड और एनसीसी के ब्रांच खोले जाएंगे। वहीं यूपी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें राज्य सरकार द्वारा फ्री में बांटी जाएंगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से मदरसों को लेकर कई ऐसे फैसले किए गए थे जिसकी वजह से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। हालांकि योगी सरकार ने सबके विकास के लिए उठाया गया कदम बताकर विरोधियों को जवाब दिया था। वहीं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लगभग 500 से ज्यादा मदरसा स्कूल संचालित की जा रही हैं। सभी मदरसा स्कूलों में लगभग हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं। इन सभी मदरसा स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी और स्कूलों का खर्च राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मदरसा स्कूलों के लिए अलग से बजट भी बनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ही सरकार ने मदरसा स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सभी मदरसा स्कूलों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का ऐलान किया था। इसके अलावा सरकार ने मदरसा बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षकों का पूरा ब्यौरा मांगा था। सरकार के इस फैसले का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया था, लेकिन सरकार ने उनका मुंह बंद करने के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो ऐसे में अब देखना होगा योगी के इस कदम से यूपी के मदरसे कितने सुधरते हैं और वहाँ के छात्रों को कितना फायदा होगा। आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप भी अपनी राय दीजिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।